तो दोस्तों आखिरकार मंगल ग्रह से हमने फिर से लैंड कर लिया है हमारे धरती पे और सारे संसार की मोह माया सभी कुछ छोड़कर हम फिर से यूट्यूब में वापस आ गए हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ महीने से मैंने मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। लगभग आई थिंक 1 महीना हो गया कि मैंने मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए सॉरी। और पिछले 1 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहा था जिसके कारण मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और अभी कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियो मेरे चैनल पे लाने के। तो यहाँ पे दोस्तों दिवाली का कुछ मौसम आ गया है और दिवाली में नाच गाना ढिंका चिका तो सब कुछ बनता है, तो हमने भी सोचा दिवाली के इस खास मौके पर कुछ स्पीकर की भी अनबॉक्सिंग कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक छोटू सा टिक्कू सा इक्कू सा मिक्कू सा एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कुछ ज्यादा ही बोल देना, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक स्पीकर के बारे में जो कि मेरे इस मूर्ति पे आ गया है। तो आप देख सकते हो ये एक छोटा सा एक स्पीकर है, तो इसको फिलहाल हम दोस्तों आज आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, टूरुलम भी है, मेरे पास क्या है जानते हैं? मेरे पास ये है और मेरे पास ये है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी स्पीकर के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रत्नदीप, आप देख रहे हैं आपका अपना आर्टिस्ट जहाँ पे आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार और मेरा थोड़ा सा मेहनत मिलकर बनता है एक एक वीडियो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्पीकर के बारे में। तो देखते हैं इसको खोल के क्या कुछ निकलता है और उसका साउंड क्वालिटी भी कैसा होता है। तो चलो फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स के सबसे ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसका एक तस्वीर यहाँ पे दिया हुआ है और बॉक्स के ठीक ऊपर इन्फिनिटी बाय हरमन, और हरमन एक JBL का पेरेंट कंपनी है। और यहाँ पे फ्यूजे पिंट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, और नीचे यहाँ पे डीप बेस ड्यूअल ईक्यू सॉल्यूशन। और अगर मैं साइड की बात करूँ तो यहाँ पे फिर से जो इसका रेटेड पावर है 2.5 वाट का और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और अगर पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे इस स्पीकर का जो प्राइस है 2000 रुपये यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन वीडियो के आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या होने वाला है। और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि ये इन प्रोडक्ट के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हो जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह। और अगर मैं साइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक QR दिख जाएगा जिसके थ्रू आप स्कैन करके इसका वारंटी में रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे हरमन फिर से मेंशन किया है। और बस यही था, एक सिंपल सा बॉक्स है और इसको अनबॉक्स करते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि अंदर हमको क्या क्या मिलता है। और दोस्तों इसको हम पहले से ही अनबॉक्स कर लिया था क्योंकि हमें देखना था अंदर क्या कुछ है, तो आपके लिए फिर से इसे अनबॉक्स करते हैं। और इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा हमारा छोटू सा ये जो स्पीकर है वो, और ये मेरे पास में अवेलेबल है ब्लू कलर। और बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक USB पोर्ट USB केबल दिया है इसको चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे एक वारंटी कार्ड या फिर यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, तो इसको कोई भी नहीं पढ़ता, तो इसको फ़िलहाल साइड में रखते हैं। तो ये है हमारे पास में जो ब्लूटूथ स्पीकर है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इस स्पीकर की तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है। और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे इन्फिनिटी का फिर से ब्रांडिंग दिया है और यहाँ पे ऑन ऑफ का एक बटन है। और पीछे की तरफ यहाँ पे रबर सा एक मटेरियल यूज़ किया है ताकि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर इसको रखेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रिप देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं बड़े आराम से। दूसरी तरफ यहाँ पे इन्फिनिटी का लोगो और इसके ठीक नीचे एक लाइट इंडिकेटर दिया है जिसके थ्रू आप जब भी इसको ऑन करेंगे तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑन हो गया है। और
काफी सिंपल सा एक स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर है। ये देखिए मेरे हाथ के मुट्ठी के अंदर ही ये बड़े आराम से ये फिट हो जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इसके साइज की, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बियर्डो के डिब्बे से भी छोटा है ये स्पीकर, और काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है ये स्पीकर। और अभी फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी भी कैसा है। तो इसको जैसे ही आप इस बटन को थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ये फिलहाल ऑन हो गया है। तो अभी फिलहाल इसको कनेक्ट करते हैं फोन के साथ और देखते हैं। जैसे कि ये अभी फिलहाल बोल रहा है कनेक्ट करने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक LED लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो इसको अभी कनेक्ट करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड पे कि हरमन जो है वो और कौन से ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि JBL, AKG और बहुत सारे ऐसे इन्फिनिटी तो है ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू हरमन्स फैमिली ऑफ लेजेंडरी ब्रांड्स, और काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांड्स है। तो यहाँ पे जैसे मैं ब्लूटूथ पे गया तो यहाँ पे आ गया है इन्फिनिटी फ्यूज प्रिंट। तो फिलहाल इसका जो बैटरी है वो 70% है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बैटरी की, तो कंपनी दावा करता है कि ये 5 घंटे तक नॉनस्टॉप चल जाएगा, लेकिन मैंने इसको 70% वॉल्यूम पे रख के नॉनस्टॉप इसको चला के देखा है और 3.5 घंटे के आसपास आराम से ये बैकअप दे देता है। और इसको चार्ज करना भी बहुत ही इजी है। आपका कोई भी जो नॉर्मल स्मार्टफोन है उसका जो एडाप्टर है उसके थ्रू आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। और इसका एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसका जो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है ये स्पीकर में अवेलेबल नहीं है। आप जिस स्मार्टफोन के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे उसका जो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है उसके थ्रू आप इस स्पीकर का वॉल्यूम अप एंड डाउन कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी हम फिलहाल इसको नॉर्मल मोड पे सुन रहे हैं, और अभी इसका एक अलग मोड है जो कि है डीप बेस मोड, यानी कि थोड़ा सा बेस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उस मोड पे। तो आपको उस मोड को एक्टिव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली इसका जो ऑन ऑफ बटन है उसको 3 बार क्विक प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुन लिया डीप बेस मोड, अब तो जैसे कि आपने देखा जो इसका जो अलग मोड है डीप बेस मोड, उस पर आपको थोड़ा सा बेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो जो गाना है वो प्ले हो जाएगा, और फिर से अगर इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो म्यूज़िक है वो बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको 2 बार क्विक प्रेस करेंगे तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो एक्टिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका गूगल एक्टिव हो गया है। और आप अगर डीप बेस मोड से इसको नॉर्मल मोड में फिर से जाना चाहते हो तो आपको सिंपली वही स्टेप फॉलो करना है, 3 बार क्विक प्रेस करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल ये नॉर्मल मोड पे चला गया है। अभी अगर आप ये स्पीकर लेने की सोच रहे हो तो आप अमेजन से ले सकते हो, क्योंकि अमेजन पे इसका प्राइस है 700 रुपये, और जबकि फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस है अभी 1000 रुपये। तो मेरे हिसाब से अमेजन से लेने आपके लिए बेहतर होगा। ये वाटरप्रूफ भी नहीं है, ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और इसका डिज़ाइन और साउंड क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक ही लगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए आपका क्या राय है इसके बारे में, क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये प्राइस रेंज के हिसाब से ये ब्लूटूथ स्पीकर ठीक है कि नहीं, तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे। क्योंकि अगर आप कुछ और
थोड़ा सा पैसा ऐड कर लोगे तो आपको और बेहतर स्पीकर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका बजट यही है और आपको भी लगता है कि ये जो साउंड क्वालिटी है आपके लिए ठीक है कि तो आप इस स्पीकर को जरूर खरीद सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये ब्लूटूथ स्पीकर कैरी करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो आप बात करते हैं जो गिव अवे है या फिर जो गिफ्ट कार्ड है उसके बारे में। तो यहाँ पे दिवाली है दोस्तों, और दिवाली के मौसम में हम सभी को खुशियां बांटना पसंद है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी एक खुशियां बांटूं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे पास एक 500 रुपीज का एक डिस्काउंट कूपन है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप स्मार्टफोन्स के लिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आप उन स्मार्टफोन्स में से कोई भी एक स्मार्टफोन खरीदते हो तो यहाँ पे ये जो कूपन है, अगर आप उस स्मार्टफोन्स के ऊपर ये कूपन अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा और 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको एक चीज मैं बता दूं, ये सिर्फ एक बार ही आप यूज कर सकते हो और ये सिर्फ एक लकी व्यूअर के लिए है। तो जल्दी से इस कूपन को रिडीम कर लो और इस ऑफर का मजा लो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, कॉमेंट और बहुत ज्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा मोटिवेट करेगा नए नए मजेदार वीडियो लाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।